वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं केक, जिसके लिए मैंने लिया एक कप मैदा, एक कप पिसी हुई चीनी और एक कप दूध, और उसके लिए कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, वैनिला एसेंस और इनो। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। उसमें एक कप मैदा ऐड करते हैं, फिर पीसी हुई चीनी ऐड करते हैं। चीनी और मैदा को मिला लेने के बाद हम एक चम्मच कोको पाउडर ऐड करते हैं और एक चम्मच ऐड करते हैं। हम एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं। अब ये सबको एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। हमने इसे अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से दूध ऐड करेंगे। देखिए, हमने दूध ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए इस तरह होगा, हमें बैटर एकदम पतला रखना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, इसमें थोड़ी सी भी लंप्स नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें वैनिला एसेंस ऐड करते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से इस पर मिक्स हो जाए। साथ ही और हम इसमें इनो ऐड करते हैं। इनो को पूरा नहीं, आधा ही ऐड करना है। अब हम इसको मिला लेते हैं। केक का बैटर हम लोग का कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। मैंने गैस ऑन कर लिया है मीडियम फ्लेम पे, जिसमें मैंने एक इडली का पैन चढ़ा दिया है। उसमें हम थोड़े से नमक डालेंगे। स्टेन रख लेते हैं, देते हैं कुछ देर गर्म होने के लिए। हम एक पैन ले लिए हैं, उसमें आप बटर पेपर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको एक अच्छा तरीका बताते हैं, जिससे आपके केक चिपके ना। आप एक ढक्कन रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, उसे अच्छी तरीके से मिला ले चारों तरफ। देखिए, हमने रिफाइंड ऑयल चारों तरफ मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा ऐड करेंगे। हमने साइड में थोड़ा सा सूखा मैदा रख लिया था। देखिए इस तरह ऐड करें साइड साइड में अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैदा अच्छे से हमने मिला लिया है, चारों तरफ अच्छे से डालें ताकि केक आपका चिपके ना। अब हमने जो अलग से बैटर बनाया था, उसे हम इस पैन में डालेंगे। हमने बैटर को दूसरे पैन में रख लिया है। अब हम इसको इडली वाले पैन में डाल देते हैं। देखिए, हमारी इडली वाले पैन भी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं बैटर वाले पैन। फ्रेंड्स, हम इसमें रख लिए हैं पैन। अब हम इसे ढक देंगे। इसे आप 45 मिनट तक ढक के रखें कुक होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट होने के बाद केक कितनी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। हम इसे और कुछ देर पकने देंगे। अब इसे हम फिर से ढक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम एक बार चेक कर लेते हैं केक तैयार बन के तैयार हुआ है कि नहीं। आप एक चाकू की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए, चाकू में थोड़ी थोड़ी चिपक रही है, मतलब हल्का सा अंदर से कच्चा है। आप इसे 10 मिनट और पकने दें कम फ्लेम करके। देखिए फ्रेंड्स, 40 मिनट हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये अच्छी तरीके से पका है कि नहीं। एक चाकू की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हैं।
देखिए इसमें कुछ चिपका हुआ नहीं है केक, तो ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम गैस ऑफ करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी अच्छे से तरीके से ठंडा हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चाकू की मदद से हम साइड साइड से ऐसे कर लेते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छी तरीके से ये मेरी निकल चुकी है और कितना फ्लफी बना ये देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।